मेरे बच्चे छोटे थे, हाजी रजा वगैरह, तो ये दोनों भाई मिलकर जो थे ना, ये किसी ने हमको माइक तोहफे में दे दिया था, वो कुछ मशीनरी या टेप रिकॉर्ड था, टेप रिकॉर्डर, उसके साथ माइक था। तो ये बच्चे उसको पकड़ के, वो थे ईद मिलादुन्नबी के दिन, 12 रबीउल अव्वल के दिन थे, तो दावत इस्लामी तो बन चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो है पुरानी बात, कोई 30-35 साल हो सकता हो गए इस बात को। तो ये बच्चे आपस में शायद ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, जश्न विलादत जिंदाबाद, इस तरह ये कर रहे थे। फिर इसमें एक को पेशाब करने जाना हुआ या कुछ, मतलब वो माइनस हुआ, अब वो रह गया एक, अब वो कौन सा था ये भी मुझे भूल गया हूँ। तो उसने मुझे माइक दिया कि मैं पापा यूं बोलता हूँ, आपने जिंदाबाद बोलना है। तो अब ये कहे, उसने बोला, मैंने जिंदाबाद, फिर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया जिंदाबाद बोलने में, यार कुछ और बोलना चाहिए, ए मरहबा। अब वो सरकार की आमद, और ये हो सकता है उसको चल पड़ा, मैं भूल गया हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद ये करते थे, तो मैंने मरहबा कहा, मरहबा में कुछ लज्जत आई। मैं उन दिनों गुलजार हबीब के पास इस्लाम भाई के घर रहा करता था, गालिबन फैजान सुन्नत पर काम वहाँ हो रहा था। बच्चे जुलूस लेकर निकले, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के करीब, जहाँ मैं ठहरा था, मैं बाहर निकल आया, तो मैंने बच्चों का ठहरो रोका, मैंने कहा मैं नारा लगाऊंगा, आप बोलना मरहबा, ये लफ्ज आसान है। तो मैंने नारा लगाया, नारे लगाने शुरू किए, इन्होंने मरहबा मरहबा मरहबा, ये चली। फिर उन दिनों मदरसतुल मदीना का बड़ा जुलूस निकलता था, तो वहाँ भी मैंने माइक पकड़ा, तो मैंने इनको बताया कि देखो मैं यूं नारा लगाऊंगा, आप लोग बोलना मरहबा। तो फिर यह कि मैंने नारा लगाया, बल्कि नारे लगाए, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद। तो यूं मतलब ये कि मरहबा मरहबा के जवाब मिला, आनन फानन ये नारा जो है ना फैल गया, और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा आम है।